हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हो, उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो अभी सुबह के 9:30 बज चुके हैं और हम आए अभी बाहर चाय पीने के लिए। यार रात भर ना नींद ही नहीं आई, क्योंकि जो होटल का रिसेप्शन है ना उसके पास ही हमारा रूम था, वो रात भर जाग रहे थे, पता नहीं क्यों यहाँ पे सोते ही नहीं है लोग। चले कोई नहीं, अभी मैं आया हूँ बाहर चाय पीने के लिए, पहले पी के चाय, उसके बाद देखते आज का क्या प्लान रहेगा, ठीक है। और ये देखें जामा मस्जिद का सुबह का नज़ारा। तो गाइस मैंने लिया अभी नमकीन चाय और रोटी। तो गाइस चाय होगी मस्त। अभी हम ढूंढ रहे हैं एटीएम, क्योंकि शाम को हमको अजमेर निकलना है, अजमेर शरीफ के लिए, ठीक है। ऊपर से ना मुझे चक्कर आ रहे नींद की वजह से। चले अभी पहले एटीएम ढूंढते हैं, क्योंकि शाम तक निकालना है, ऐसे ढूंढते रहना है शाम तक, फिर 10 बजे की हमारी बात है। तो गाइस कैश निकाला हमने, क्योंकि जेब में ना कुछ नहीं था, इसलिए कैश निकालना पड़ा हमको। अभी जाते हैं पहले कुछ खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, लेट भी बहुत हो चुका है, 3 बज चुके हैं। हमने लिए अभी दाल और रोटी, यही खाएंगे। तो गाइस दाल रोटी हो गई मस्त। अभी हम आए जामा मस्जिद के सीढ़ियों पे, यहाँ पे थोड़ी देर धूप सेकेंगे, उसके बाद घूमेंगे यहाँ का मार्केट, ठीक है। ये देखिए गाइस कितने लोग यहाँ पे धूप सेक रहे हैं, और यहाँ पे मज़ा भी आता है बैठने में, ये देखिए। तो गाइस ये देख लो, ये छावरी बाजार की गली, जामा मस्जिद से थोड़ा आगे लेफ्ट साइड से है, जहाँ से ज़्यादातर ये हार्डवेयर यही सब ज़्यादातर मिलते हैं, हर के लिए चीज़ें ज़्यादातर मिलती है। कपड़े वपड़े की शॉप यहाँ से ज़्यादा नहीं है। आगे जाके और मार्केट है, मतलब सदर बाज़ार से भी ये मिलता है, बहुत जगहों से आगे जाके मिलता है। तो हाँ बहुत ही बड़ा मार्केट है ये भी। देखिए हार्डवेयर सामान हर तरफ से, ये हार्डवेयर की चीज़ें मिल रही है, और शादी के कार्ड्स भी यहाँ पे होलसेल में मिलते हैं, ठीक है। और ये सामान भी हार्डवेयर का बिल्कुल मतलब ठीक प्राइस में मिलता है यहाँ पे। ये देखिए शादी के कार्ड्स, तो गाइस यहाँ से आए हम भी चावरी बाज़ार से, ये देखें मेन पे पहुँचे, यहाँ से पहुँचते हैं अजमेरी गेट, और यहाँ से लाल कुआ, और यहाँ से जो गली जाती है वो सीधे जाती है जामा मस्जिद की तरफ, ठीक है। यहाँ से कोई रास्ता है जो कि सदर बाज़ार ये सब भी जाता है वहाँ, लेकिन वो नहीं पता कहाँ से वो रास्ता। तो गाइस यही रास्ता है सदर बाज़ार का, जो यहाँ राइट साइड से जाता है, यही है सदर बाज़ार के लिए, ठीक है। वहाँ से और भी जगहें हैं अगर किसी को जाना होगा तो। सदर बाज़ार का ब्लॉग हमने इससे पहले चढ़ाया ही है, इसलिए हम उस साइड नहीं गए, हम जा रहे हैं अभी वापस जामा मस्जिद की तरफ, और शाम को निकलना भी है, इसलिए थोड़ी सी एनर्जी सेव रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी यहीं से घूम रहे, अभी बहुत टाइम है हमको, 10 बजे हमको बस है, इसलिए यहाँ से घूम रहे हैं अभी। अगर किसी को घर के लिए सामान लेना हो, हार्डवेयर ये सब, तो यहाँ पर भी वो पैकिंग करते हैं, कुरियर करके बेचते हैं, फिर जहाँ मतलब जिस स्टेट में आपको लेना हो। और ये देखिए पुरानी इमारतें, ट्रैफिक हर तरफ से ट्रैफिक ही ट्रैफिक, बहुत ही बिजी इलाका है ये देखें, हर तरफ पी 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 शोर हर तरफ से। ले गाइस अभी हम जा रहे हैं वापस, और ये देखिए हार्डवेयर की चीज़ें अंदर से आ गए, ऐसे करते हैं पैक, फिर जिसको भेजना होगा किसी स्टेट में वो आराम से भेज सकता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ लेफ्ट साइड से था छावरी बाज़ार, अभी हम आए यहाँ पे, ये देखिए जामा मस्जिद। और इस साइड ना यही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट ज़्यादातर मिलते हैं, मतलब सेकंड हैंड ये सब मिलते हैं गाड़ियों के लिए, ठीक है। अगर किसी को लाना हो तो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे भी ठीक ही प्राइस मिलती है उसकी, मतलब ठीक प्राइस में आपको मिलेगा यहाँ पर, ये देखिए। गाइस अभी 4 बज चुके हैं, हमको ना 10 बजे बस की टिकट है, और हमको अभी याद आया कि उत्तम नगर में हमारा फ़ोन भूल चुका है। अभी हम जा रहे हैं वापस उत्तम नगर, 7 बजे तक वापस आएंगे वहाँ से, क्योंकि 1-1.5 घंटा लगता है वहाँ तक, ठीक है। तो मेट्रो में जाएंगे जल्दी जल्दी से, वहाँ चलाएंगे फ़ोन। गाइस उत्तम नगर आए हम, जो फ़ोन भूल गया था ना यहाँ पे वो भी लिया हमने, अब जाते सीधा जामा मस्जिद। तो गाइस फाइनली पहुँचे हम अभी जामा मस्जिद, अपने रूम पे ही आए, अब करते हैं तैयारी। तो गाइस निकले हम अभी बस स्टैंड की तरफ, पुरानी दिल्ली बस स्टैंड पे जाना है हमको, ठीक है। तो पहले कुछ खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं सीधा बस स्टैंड, ठीक है। तो गाइस ये रहा हमारा डिनर, अभी करते पहले डिनर, उसके बाद मिलते हैं सीधे बस में। फाइनली खाना हो गया, अभी हम चढ़े रिक्शे में, इसी में जाएंगे बस स्टैंड, ठीक है। तो गाइस अभी हम पहुंचे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टैंड है तो वहीं पे पहुंचे हम। अभी हो रहा है बस का वेट, पता नहीं 9 बजे आएगी शायद, अभी बज चुके हैं 9:30 या 9:30 बजे आएगी बस, के बाद चलते बस में। गाइस जब तक बस नहीं आती तब तक चाय ही पीते हैं।
तो दिस इज अवर चाय, एकदम कड़क चाय। तो गाइस फाइनली आ चुकी है हमारी बस। ये देखिए ये रही हमारी बस, एक दो घंटा वेट करने के बाद आ गई बस। दिखाता हूँ आपको अंदर जाके। ये रही हमारी बस, ये वाला कैबिन है हमारा, ठीक है, S5। हाँ तो गाइस कुछ ऐसी दिखती है हमारी बस, ये देखिए। अभी शायद और मैं ये खाली यहाँ पे, हमारे बगैर कोई बस में नहीं चढ़ा अभी, हमारी बस है। कैसा लग रहा है शायद? बहुत ही मजा आ रहा है मुझे अभी से, रात को देखते हैं क्या होता। तो अभी जाते हैं पहले बाहर कुछ लाते हैं खाने के लिए। तो गाइस हमने लिया अभी जूस और कोल्ड ड्रिंक ये सब, क्योंकि अगर रात में भूख लगी इसलिए हमने ला के रखा। तो गाइस आ चुके हैं हम अभी अपने बस में, अपने कैबिन में। तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा कैबिन, एक सेकंड फ्लैश डालता हूँ, ऐसा दिखता है हमारा कैबिन। और ये देखिए बाहर का नज़ारा। तो गाइस हमारी बस करी है तैयारी निकलने की, कुछ देर में निकलेगी हमारी बस, कल सुबह पहुंचाएगी अजमेर शरीफ। फिलहाल आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, वरना वीडियो बहुत बड़ी बनेगी। तो रात का सफर आपको दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय।